नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका किंग इन किचन में। दोस्तों, हम लोग मसाला करीज बनाने के लिए काफ़ी तेल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कम तेल का यूज़ करते हैं और कुछ लोग ज़्यादा तेल का। ज़्यादातर तेल हम यूज़ करते हैं प्याज को फ्राई करने के लिए या सॉटे करने के लिए, ताकि हमें अच्छी ग्रेवी बने। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम बिना तेल यूज़ किए अच्छा और स्वादिष्ट मसाला करीज बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ राजमा मसाला बिना तेल यूज़ किए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं राजमा मसाले की रेसिपी विदाउट ऑयल। तो चलिए देखते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। हमें चाहिए राजमा या किडनी बीन 2 कप। ये हमें एक रात पहले ही पानी में सोख करके रख लेना है। 2 मीडियम प्याज थिनली स्लाइस्ड, 2 हरी मिर्च, 3 मीडियम टमाटर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। राजमा को पकाने के लिए हमें चाहिए 3 कप पानी। दोस्तों, मैं इसे कुकर में पकाना प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि कुकर में जल्दी पक जाएगा, लेकिन उसके हाई हीट के कारण इसका जो फाइबर और जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए मैं इसे धीमे आंच में ही पकाऊंगा। साथ ही में मैं टमाटर भी कुक कर लूँगा, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अब हम इसे बंद करके 30 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर सील फॉर्म हो गया है। तो ये क्या करता है कि ये इसे बहुत ही कम हीट में इसे पकने देता है और इसका न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व हो जाता है। तो चलिए, जब तक राजमा कुक हो रहा है, हम ग्रेवी बना लें। एक पैन गर्म करके उसमें डालेंगे हम जीरा। जब जीरा गर्म हो जाए, वो चलना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे प्याज। फिर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि प्याज अच्छी तरह पक जाए। तो हम थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम प्याज को पकाएंगे तो प्याज में इसका जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो रिलीज हो जाएगा और वो उसमें ही कुक हो जाएगा। तब हम इसे बंद करके 2 मिनट तक पकाएंगे। जब तक प्याज पक रहा है, हम अपना टमाटर निकाल लेंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह पक चुका है। तो टमाटर को हम एक स्पून की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि टमाटर कितनी अच्छी तरह पक गया है। और राजमा को हम फिर थोड़ी देर कुक होने देंगे। अब प्याज भी थोड़ा हमारा पक गया है। अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे अच्छी तरह हम तकरीबन 2 मिनट तक सॉटे करेंगे। हमें इसे तब तक सॉटे करना है जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला पाउडर। तो हम पहले डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 2 जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, 2 हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर। गरम मसाला पाउडर और फिर आखिर में हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मसाले को बहुत ही अच्छा रंग देगा। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हमें बहुत ही धीमी आंच में पकाना है, नहीं तो दोस्तों मसाला जल जाएगा। हमें इसे लगातार 2 मिनट तक चलाते रहना है, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए।
दो मिनट बाद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे जो हमने पहले ही पका के रख लिया है। तो मैं एक स्पून की मदद से इसे थोड़ा स्मॉल पीसेस में काट लूँगा। फिर एक वुडन स्पैटुला लेके मैं इसे अच्छी तरह मैश कर लूँगा ताकि ये ग्रेवी में अच्छी तरह घुल जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ हम कितना टाइम सेव कर रहे हैं। नहीं तो टमाटर पकाने के लिए हमें 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। हम वो टाइम और गैस भी यहाँ सेव कर ले रहे हैं। तो हम अब ग्रेवी को थोड़ा पकने देंगे और चलिए देखते हैं राजमा का क्या हाल है। तो लगभग 30 मिनट हो गए हैं। हम चेक करेंगे अभी राजमा अच्छी तरह पका है कि नहीं। राजमा दोस्तों कुक हो गया है, लगभग 80% राजमा कुक हो गया है और हमें उतना ही कुक करना है क्योंकि बाकी के 20% हम ग्रेवी के साथ कुक करेंगे। अब हम राजमा जो हमारा पक चुका है हम उसे ग्रेवी में ऐड करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला था जो रिमेनिंग 20% है हम उसे ग्रेवी में ही पकने देंगे ताकि ये जो ग्रेवी है वो राजमा के अंदर अच्छी तरह इंफ्यूज हो जाए और राजमा का अरोमा भी ग्रेवी में अच्छी तरह आ जाए। हम अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस स्टेज में हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद जब ये उबलना शुरू हो जाए तब हम इसे ढक करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और वो उसी गर्मी में ये कुक हो जाएगा। दोस्तों हमारा राजमा मसाला बनकर रेडी हो गया है। इसे हम धनिया के पत्ते के साथ गार्निश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आप भी बिना ऑयल यूज़ किए घर में बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।